दोस्त हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं चिकन मसाला बनाने जा रहा हूँ, चिकन ग्रेवी वाला। तो मैं अभी सब काट पीट के मेरा रेडी हो गया, ऑयल भी अभी मैं डाल दिया है। तो अभी वीडियो इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है और इसके अंदर टमाटर भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ पीसने। दो टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने, और अंदर सूखा मिर्ची और धनिया पाउडर ने अखा धनिया मैंने डाला है, और इसके अंदर और जो गरम मसाले वो भी डाल दिया इसके अंदर। तो इस तरह से मेरा रेडी हो गया ग्राइंडिंग करने के लिए दोस्तों। अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ और पीसने के लिए जा रहा हूँ। ग्राइंडिंग होके रेडी हो गया मेरा मसाला। देखिए इस तरह से मैंने मसाला पीस लिया है मिक्सर में। अभी मेरा ऑयल गरम होके हो गया है दोस्तों। तो अभी इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दे रहा हूँ। इस तरह से मेरा कड़ी पत्ता हो गया, और बारीक कटा हुआ प्याज मैंने डाल दिया है दोस्तों इसके अंदर। देखिए इस तरह से छोटे ट्रक देने का ब्राउन कलर होने तक। तो मेरा ढक के रेडी हो गया। अब इसको मिनट पकड़ो, 5 मिनट तक इसको ऐसे ढक के रखने का और ब्राउन होने तक। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे दोस्तों। देखिए मेरा इस तरह से अभी हो गया है। देखिए हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। पानी डाल रहा हूँ, रेडीमेड है। आपके पास है तो आप खुद ग्राइंडिंग करके डालिए अदरक लहसुन का और पेस्ट कूटा हुआ डाल रहे हैं इसके अंदर। फिर से अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल दे रहा हूँ रख देने का। तो दोस्तों अभी मेरा रेडी हो गया, 5 मिनट हो गया होके। तो अभी मैं चिकन डालने जा रहा हूँ। मेरा ये देखिए ये चिकन है, ये मेरा भी चिकन है, और ये मसाला है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं मसाले डालने जा रहा हूँ इसके अंदर। तो देखिए मैं मसाला भी डालने जा रहा हूँ। ये मसाला भी चिकन के अंदर डाल दिया हूँ इस तरह से। देखिए तो मसाला मेरा डाल के रेडी हो गया दोस्तों। देखिए कितना अच्छे से मेरा जो प्याज है वो भून के हो गया है। अब इसके अंदर मैंने ये जो ग्राइंडिंग किया हुआ मसाला था घर में, वो मैंने अभी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको फिर से 5 से 6 मिनट तक ऐसे ढक के रख देने का। तो दोस्तों मेरा भी ढक के रेडी हो मेरा ढक के रेडी हो गया। अब इसको 6 मिनट के लिए रख देने का, 6 से 7 मिनट तक। इसके बाद देखते हैं चिकन कैसा बन के मेरा होता है दोस्तों। इसके बाद हम चिकन डालेंगे। अभी मैं मेरा हो गया है 6 से 5 मिनट तक। अब इसके अंदर मैं चिकन डालने जा रहा हूँ। मैं अभी चिकन डालने जा रहा हूँ इसके अंदर से अंदर। हाँ इस तरह से मेरा चिकन अभी जा रहा है इसके अंदर। देखिए मेरा इस तरह से चिकन जा रहा है। मेरा देखिए चिकन हो गया इसे इस तरह डाल। देखिए और इसको अच्छे से इस तरह से चला लेने का, और पानी नहीं डालने का। बाद में आप पानी आप डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए, अभी पानी नहीं डालने का। और इसको अच्छे से अभी ढक के रखने का। उससे पहले आप नमक चाहिए तो नमक डाल लीजिए, नमक अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छे से चिकन के अंदर, और फ्लेवर अच्छा आपको मिलेगा। तो इस तरह से नमक पहले ही आप डाल लीजिए, नहीं तो ऐसे ही ये करिए। तो अभी हम लोग इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब देखिए नमक वमक मिक्स हो गया है। अब इसको हल्के आंच पे पकाने के लिए छोड़ देता हूँ, 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देता हूँ स्लो आंच पे दोस्तों। तो अभी रेडी हो गया। देखिए मेरा इस तरह से मेरा जो चिकन है अभी हो गया है। देखिए कितना अच्छे से पक गया है चिकन, और अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए कितना अच्छा मेरा चिकन दिख रहा है दोस्तों। तो मेरा चिकन इस तरह से बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो अभी ऊपर से इसमें हरा धनिया डाल दिया इस तरह से, और मेरा चिकन एकदम। तो दोस्तों मेरा चिकन इस तरह से बन के रेडी हो गया। देखिए और कितना अच्छे से पक गया है चिकन दोस्तों।